बात बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था कि शिक्षा विद्यार्थी के बारे में हमने पाठ शुरुआत किया था। तो पाठ शुरुआत करने पर हमने क्या सीखा था कि वहाँ पे दो हिरण रहते हैं, एक मेल और फीमेल, वो दोनों भाई बहन रहते हैं और दूर जंगल में जाके रहते हैं, ठीक है। इसके बाद वो अपने बहन अपने बेटे को अपने भाई के पास छोड़ती है ताकि वहाँ उसको अच्छा शिक्षा दे सके। शिकारी जब शिकार करता है तो किस तरह बचना चाहिए करके वो उसका शिक्षा देने के लिए अपने भाई के पास भेजती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए, शिक्षा प्राप्त करता है, दिन ब दिन शिक्षा प्राप्त करके वो निर्भय हो जाता है और क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आत्मविश्वास बढ़ने लगने के बाद वो ऐसे ही करके 2 महीने में सीख जाता है। और 2 महीने होने के बाद हिरण क्या करता है, अपने बहन के बहन को मिलाने के लिए अपने भांजे को लेकर जाता है। तो बहन के पास लेके जाने के बाद हिरण क्या कहता है, हिरणिया क्या कहती है कि भैया अभी आप इतने दिनों बाद आए हो तो आप थोड़े दिन के लिए यानी कि कुछ एक सप्ताह के लिए आप रुक जाइए करके कहता है। अगले दिन हिरण, देखिए पेज नंबर 11 नीचे वाला पैरा, जो चित्र है उसके नीचे वाला जो पैरा है वहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, हिरण एक सप्ताह वहाँ रुकने के लिए मान गया। और अगले दिन हिरण का भांजा अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए गया। वे सभी हंसते खेलते जंगल में घूम रहे थे। ऐसे में अचानक छोटे हिरण का पैर एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। वहाँ दर्द से कराहने लगा, कोई मेरी सहायता करो, कोई मुझे बचाओ। उसके मित्र उसके निकट पहुँचे, उसे जाल में फंसा देकर सभी चिंतित हो गए। यहाँ पे क्या है कि एक छोटे जब हिरण के लिए रहने के लिए आया एक सप्ताह के लिए, तो हिरण एक सप्ताह के लिए रुकने के लिए रेडी हो गया। तो उसके दूसरे दिन में क्या हुआ, जब हिरण का छोटा बच्चा था, वो बच्चा खेलने के लिए जंगल में बाहर गया अपने मित्रों के साथ। मित्रों के साथ हंसते खेलते हुए उस समय में क्या होता है, हिरण का पैर एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे बचाइए। लेकिन वहाँ वो फंसे हुए देखकर चिंतित होते हैं उसके दोस्त सभी, तो वो कुछ नहीं कर पाते। तो क्या कहते हैं वो, उसके यहाँ के देखिए पेज नंबर 12 पे, उसे जंगल में फंसा छोड़कर उसे क्या करते हैं उसके मित्र, उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं करते। वो क्या करते हैं, भाग के जाते हैं अपने उनकी जो छोटी हिरण रहता है ना उसके मामा के पास भाग के जाते हैं। और वहाँ पे क्या बताते हैं, देखिए, उसे जाल में फंसा छोड़कर सभी उसकी माँ के पास पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, आंटी आपके बेटे का पैर एक जाल में फंस गया है, जल्दी चलिए। ऐसा सुनते ही हिरण की माँ अपने भाई और देखी और बोली, भैया अब मैं क्या करूँ, मेरा पुत्र मुसीबत में है, उसका पैर जाल में फंस गया है। घबराओ नहीं बहना, आज उसकी परीक्षा है। अब तुम देखो कि वह मेरे द्वारा दी गई शिक्षा को कैसे इसका प्रयोग करता है। तो वो क्या कहती है, जैसे ही उसके मित्र आके उसे बोलते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, यानी कि उसकी माँ, जो हिरण की जो माँ रहती है, वो चिंतित होने लगती है। चिंतित होने लगने के बाद वो अपने भाई से कहती है, भैया अब क्या करूँ, मेरा बेटा तो शिकारी के जाल में फंस गया है। तो वो उसका भाई जो कहता है, वो फीमेल जो डियर रहता है, वो क्या कहता है कि नहीं,
वो कहता है कि डरो नहीं बहना, डरो नहीं बहना, कुछ नहीं होगा, आज उसका इम्तिहान है, उसकी परीक्षा है, जो उसने शिक्षा प्राप्त कर ली थी उसकी परीक्षा है। तो ऐसे बोलने पर वो नन्हा हिरण जाल में फंसा हुआ सोचता है, देखिए आगे क्या होता है। नन्हा हिरण जाल में फंसा हुआ अपने नन्हा हिरण जाल में फंसा हुआ अपने बचाने का उपाय सोच रहा था। अरे हाँ, मामा ने मुझे सिखाया था कि खतरे के समय अथवा जाल में फंसे जाने के पैर मरे हुए जैसे जानवर की तरह मुझे पेश आना है। वह क्या करता है, जैसे ही उसको सुझाव आता है, तो मामा ने उसको सुझाव क्या दिया था कि जब भी आप जाल में फंसते हो तो आपको मरे जैसे एक्टिंग करना होता है। तो वो मरे जैसे एक्टिंग करने के बाद आगे क्या, अंत में मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसको ऐडा सोचता है कि हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, मुझे मरे जैसे दिखावा करना चाहिए करके वो सोचता है। और क्या करता है कि मरे जैसे एक्टिंग करने लगता है। और थोड़ी ही देर में जाल बिछाने वाला शिकारी उसी स्थान पर आया और मैं मरे हुए हिरण को देखकर वही खुशी से बोला, यानी कि उसको लगा कि हिरण मर गया है। तो उसने क्या सोचा कि हाँ, शिकार मिल गया है और हिरण भी मर गया है। तो अरे, कितना स्वस्थ और सुंदर हिरण है। वो क्या कहता है हिरण को देखकर, कितना स्वस्थ और सुंदर हिरण है, मेरी पत्नी को इसे रात में भोजन के लिए पकाएगी और इसे हुआ क्या है, और यह तो शायद मर गया है, उसे हुआ क्या है, या तो ये मर गया है, कहता है। उसके बाद क्या, मेरे विचार से इसे घर लेके जाना चाहिए, नहीं देरी करनी चाहिए। उसको क्या लगता है कि अभी इसको लेके जाना चाहिए, मुझे देर नहीं करना चाहिए, ये मरा हुआ है तो मुझे इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए करके ऐसे सोचता है। क्या नहीं ऐसा करूं कि इसे मांस के टुकड़ों काट कर पका कर यहीं खा लूं। वो सोचता है कि क्यों ना मैं यहीं, अभी मर गया है तो यही काट कर इसे पका कर जंगल में ही खा लूं। मुझे जाकर आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां ले आनी चाहिए, पर इससे पहले मुझे इस हिरण को जाल से बाहर निकाल लेना चाहिए। तो क्या करता है वो, मुझे इसको पकाने के लिए इसको मुझे पहले जाल से बाहर निकालना चाहिए। यहाँ अब भाग भी नहीं सकता क्योंकि मरा हुआ है, तो ये भाग भी नहीं सकता। इसीलिए क्या करें, यहाँ चित्र में दिखाया, देखिए मरा हुआ जैसे ये एक्टिंग कर रहा है और क्या है, जाल में फंसा हुआ है। तो ये जो शिकारी है वो क्या कह रहा है, अब ये मरा हुआ है, ये तो भाग नहीं सकता। तो वो उसने क्या किया है, वो जाल को शिकारी से अलग करने की उसको सूझ रही है। तो यहाँ दूसरे पेज पे जाइए, 13 नंबर पेज पे। यहाँ सोचकर शिकारी ने हिरण के जाल में से बाहर निकाला, हिरण को जाल में से बाहर निकाला। उसके बाद वहाँ आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया। उसके जीते ही हिरण उठा और भाग खड़ा हुआ और सीधे घर पहुँचा। तो क्या बोला उसने, क्या किया वो, जैसे हिरण अपने किसमें जैसे ही शिकारी जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए, आग लगाने के लिए चला गया, उसी समय वो हिरण क्या किया, उठकर खड़ा हो गया और भाग कर अपने घर पहुंच गया, सीधे अपने घर को भाग चला गया। उसके बाद नन्हे हिरण की माँ अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वो भाग कर चला गया तो उसकी माँ क्या है, उसको देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और पूछी, उन्होंने नन्हे हिरण को गले से लगाया और पूछा, मेरे पुत्र तुम वापस आ गए, पर तुमने अपने आप को जाल से कैसे मुक्त किया। नन्हे हिरण से माँ को मेरी सारी बातें बता दी। नन्हे हिरण ने
उसने कैसे युक्ति उपाय युक्ति सूझ कर युक्ति का इस्तेमाल करके अपने आप को खुद को कैसे बचाया है उसका जानकारी वो अपने माँ को देता है। उसके बाद क्या होता है कि माँ पूछती है कि तुमने कैसे आपको अपने आप से मुक्त किया, तो वो कहता है कि माँ मैं आज अपने मामा हिरण की और कृतज्ञता से देखने लगा, यानी कि वो अपने मामा को कृतज्ञता की ओर से देखने लगा। अपने भांजे की पीठ थपथपाकर हिरण को बोला, यहाँ सब मेरे द्वारा दी गई शिक्षा की ही परिणाम है, मैंने इसको जो शिक्षा दी थी उसी का ही परिणाम है, यहाँ आज ये अपनी जान बचाने में सफल हो गया। वहाँ ऐसे एक सच्चा विद्यार्थी है जो तभी तो इसे मेरी शिक्षा याद रही, यानी कि जो शिक्षा आप प्राप्त करते हो उसको याद रखनी चाहिए तभी आप जीवन में सफल होंगे, इसका अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं कि इसने सीखे हुए ज्ञान का इस्तेमाल किया सही समय पर और इस तरीके से उपयोग किया कि खुद के जान भी बच गई और जो शिक्षा उसने सीखा था उसकी भी इसका भी इस्तेमाल हो गया। इस प्रकार नन्हे हिरण ने बिना किसी की सहायता अपने सुरक्षा की और अपने अन्य जानवरों को भी प्रशंसा पात्र बना दिया। इस तरह ये कहानी है। आपको कन्नड़ पे सुननी है तो क्या करना है, मैं फिर से एक बार ये कन्नड़ की जो स्टोरी है तो शॉर्ट एंड स्वीट में बता दूँगी। क्या है, ಎರಡು ಜಿಗರೆಗಳು ಇರುತ್ತವ, ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಒಂದು ರಾಜಗಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣೆಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವೆರಡು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇರ್ತವ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇರ್ತವ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಚಿಗರೆ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಭೇಟಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಅವ್ರು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳೇನಂತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ನೀನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸು, ಶಿಕಾರಿ ಭೇಟಿಗಾರನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡು ಅಂತ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಚಿಗರೆ ತನ್ನ ಮಾಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಕಲಿತದ. ಆಮೇಲೆ 2 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಗಂಡು ಚಿರತೆ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವರ ಮಮ್ಮನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿರೋದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು 1 ವಾರ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಖುಷಿಯಾಗಿ 1 ವಾರವಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮರಣ ದಿನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಜಿಗರಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನ ಮಿತ್ರರ ಜೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರನ ಶಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾನೆ. ಜಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಕಾಪಾಡಲು ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಹಿಂಗೆ ಬೇಟೆಗಾರನ ಜಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವಳು ಏನಂತಾಳೆ, ಚಿರತೆ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಮಗು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನೇನಂತಾನೆ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಉಳಿತುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಸಂತಾಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಸಣ್ಣ ಚಿರತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಮ ಕಲಿಸಿದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದರೆ ಸತ್ತ ಚಿರತೆ ಥರ ಅವನು ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಟೆಗಾರನೇನಂತಾನೆ, ಸತ್ತಿದೆ ಚಿರತೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತನ್ನಕ ಹೋಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕರ್ಮ ಬರೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಆ ಚಿರತೆ ಸತ್ತಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಿರತೆ ಎದ್ದು ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎದ್ದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಆ ಮಗುನ ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಹಿಂಗೆ ಏನೇನಾಯಿತು ಅಂತ. ನಾನು ಆ ಸಣ್ಣ ಚಿರತೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹಕೀಕತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನಾಗಿತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ಆವಾಗ ಅದು ಗಂಡು ಚಿರತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಮ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅವನು ಕಲಿಸಿದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇವಾಗ ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕಲಿತ ಅವ್ರ ಮಾಮ ಏನಂತಾನೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಹಾಯ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಇದೇ ನನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಅಂತ ಅವನ ಮಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಯಿತಾ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.